ओके फ्रेंड्स, सैमसंग ने M14 5G स्मार्टफोन के लिए न्यू अपडेट रिलीज कर दिया है। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस अपडेट के बारे में, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट को रिलीज किया गया है। साथ ही साथ अभी तक आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं आई है, तो फाइनली आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट कब तक आ जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के इंतजार के बाद जो है वो सैमसंग ने M14 5G स्मार्टफोन के लिए न्यू अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसका अपडेट फाइल 249.47 MB की दी गई है। 1 अगस्त 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट इंडिया में ऑफिशियली रिलीज की गई है, तो आप लोग अपने फ़ोन के अपडेटेड ऐप में चेकआउट कर लीजिए। अपडेट आ चुकी होगी, काफ़ी अच्छी अपडेट है, अपडेट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जिन भी यूजर्स को अभी तक अपडेट नहीं मिली है, उन्हें 3 से 4 दिनों में ये अपडेट जो है वो मिल जाएगी। बाकी बात करें इस अपडेट के चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, तो देखिए इस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 250 MB की हमें अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑफ कोर्स इस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेस तो नहीं की गई है, माइनर सी चेंजेस की गई है। कह सकते हैं कि ये एक सिक्योरिटी पैच की अपडेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे को इस अपडेट में लेटेस्ट अगस्त की सिक्योरिटी पैच जो है वो मिल जाती है। उसी के साथ साथ डिवाइस के स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया, डिवाइस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया, सिक्योरिटी को इंप्रूव किया गया, बग्स फिक्स किए गए हैं, नए पुराने फीचर्स को इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। तो यही कुछ छोटे मोटे चेंजेस हमारे को इस अपडेट में मिल जाती है। अपडेट अच्छी है, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे को इस अपडेट में सिक्योरिटी पैच जो है वो इंप्रूव मिल जाती है। तो आज के इस न्यू वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।